जय श्री कृष्णाय श्री राधे राधे हर हर शंभो। जैसे भक्तों आप देख सकते हैं देवकी नंदन ठाकुर लाल जी के बहुत ही परम भक्त हैं और ये वृंदावन में रहते हैं। इनकी बहुत पावन कथा सुनने को भक्तों बहुत दूर दूर से आते हैं और आप देख सकते हैं इनका पूरा परिवार पूरी फैमिली कथा सुन रहे हैं ऋषिकेश में। और महादेव ने अपनी नगरी बुलाकर और सौभाग्य दिया है, प्राप्त किया है और श्रीमद् भागवत कथा करने का शिव पुराण कथा। और आपको बता चले देवकी नंदन ठाकुर जी के बहुत करोड़ों से भी ऊपर फैन हैं, उनके भक्त हैं और रास्ता चैनल पे भी काफ़ी बड़ा परिवार है यूट्यूब पे भी, और बहुत प्रेम भाव से कथा सुनते हैं सभी भक्त। उनकी बहुत मीठी वाणी है, भजन इतना प्यारा गाते हैं, सभी भक्त नाचने लग जाते हैं, ठाकुर जी को मनाने लग जाते हैं। और आप भी कहीं भी कथा चल रही हो आपके कहाँ जहाँ पर भी, तो आपने समय निकाल के परमात्मा को लिए समय निकालिए, कथा सुनिए और बहुत जो सुकून भागवत कथा में मिलता है और भजन में आनंद आता है वो संसार में कहीं पर नहीं है। और श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है और जिसने 7 दिन अपने श्रद्धा भाव से सुन ली वो 7 जन्म उद्धार हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और श्रीमद् देवकी नंदन ठाकुर जी देख सकते हैं महासंतों के साथ और पूरे दरबार की यानी कि मंदिर की पूरे सब गंगा माँ की सब जगह की दर्शन कर रहे हैं। और संध्या होते ही देवकी नंदन ठाकुर जी इनके पुत्र साथ में आरती करते हैं गंगा माँ की, सभी संत मिलकर सारे महादेव के भक्त आरती करते हैं और उनके पुत्र भी उनके साथ हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं, उनकी माता श्री भी उनके साथ हैं, पूरा परिवार उनका कथा में आया है ऋषिकेश में। और सौभाग्य है कि परिवार भी कथा सुन रहा है उनकी, और कितना गर्व होता होगा माँ को उनकी जो मेरा पुत्र कथा मंच पर और कथा गा रहे हैं। और उनके बेटे भी बहुत खुश होते हैं ये देखकर, उनका भी जुनून कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप देख सकते हैं महासंत बड़े बड़े संत आए हैं जो पतंजलि के जो बाबा हैं, जो जिनका पतंजलि प्रोडक्ट चलता है वो भी देवकी नंदन ठाकुर जी को उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने माला पहनाई और आरती के लिए ज्योत जलाई सबने मिलकर। आप देख सकते हैं पतंजलि के जो प्रोडक्ट चलते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस दुनिया में और बहुत अच्छे से इनको इसके नाम से बहुत जानते हैं और बहुत फ़ायदेमंद हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत फ़ायदेमंद होता है इनका सब कुछ। और आप देख सकते हैं महासंतों की पूरी मंडली देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ देखी और बहुत आनंद आया सभी को। और महासंतों ने सभी ने इनके पिताश्री सभी ने मिलकर ये सभी आयोजन और आनंद लिया। और देख सकते हैं उनकी पत्नी के दर्शन आप कर सकते हैं, इनकी पत्नी भी बहुत प्यारी हैं इनकी तरह हैं बिल्कुल, और मैया भी मोटी मोटी सी हैं और बहुत भाव से कथा सुन रही है माता जी। और सारे भक्त अपने कान्हा जी को मनाने में लग रहे हैं, आनंद में लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा झूम रहे हैं। देख सकते हैं प्यारी सी झांकी निकाली जो 52 भगवान अवतार की है और बहुत प्यारे कान्हा जी लग रहे हैं जो बहुत ही सुंदर चेहरे पर उनका नूर है। सभी भक्त अपने रंग में रंग रहे हैं, कान्हा जी की दीवानी बन जाऊंगी, इतना सुंदर ये सब नृत्य कर रहे हैं। देखिए भजन में नाचना शर्म नहीं करनी चाहिए और ये हमारा बहुत सौभाग्यशाली है कि जो हमें नाचने का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, कथा जीवन में सुनो तो जीवन में उतारो भी और इस कथा को अपने समझो, क्योंकि सुनने ही काफ़ी नहीं होता, जीवन में उतारना इसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसने चाहे कितनी शोहरत कितनी दौलत कमाई हो अगर धर्म से न जोड़ी हो राम भजन न किया हो तो वो दौलत उसकी तब तक काम आएगी जब तक वो जीवित है। और आगे साथ में अपना कर्म ही जाता है और अपना साथ में अत्रा कर्म और हम खुद करते हैं, शरीर भी यही रह जाता है। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है, तन लेके आए थे और कर्म लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाना है। जाना है तो सिर्फ अपना कर्म अपने साथ जाना है, वरना सब कुछ यहीं रह जाना है। तो परमात्मा के बिना ये आत्मा अधूरी है, तो अपना
पैसा भी कमाइए, तरक्की भी कीजिए, अधिक से अधिक ऐश्वर्य आराम भी कीजिए, लेकिन अपने इष्ट को, अपने आराध्यों को मत भूलना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे, क्योंकि इसी नाम जब से हमारा बड़े से बड़े कार्य होते हैं। और इस नाम जपने के नाम ही राम नाम हनुमान जी ने जपा था, और दो अक्षरों का नाम है इतना प्यारा, जिसने जपा वो उतर ही गया भवसागर से। तो आप भी अपने प्रभु को दर्शन पाना चाहते हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो अपने नाम जप करें और भागवत कथा सुने, भागवत कथा से जुड़े रहें, क्योंकि बहुत भाग्यशाली हैं जिनको भी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो अगर गुरुदेव को चाहते हो तो प्यार भाई कमेंट्स कर दें, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, और इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इनके आने वाली अपडेट आपको दे सकें। जब तक अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।